पोहा का बिल्कुल टेस्टी और हेल्दी नाश्ता। यू नो अब क्रिसमस की छुट्टियां पड़ गई हैं तो आप सबको समझ में नहीं आ रहा होगा कि हम बच्चों के लिए क्या बनाएं, तो मैंने ये रेसिपी शेयर की आप सबके साथ। आई होप कि आप सबको पसंद आए। इसमें सिर्फ और सिर्फ पोहा एंड आलू है जो कि सबसे मेन इन्ग्रीडियंट्स हैं, बाकी तो सब सारी चीज़ें हमारे घर में होती हैं। और कभी अगर मेहमान भी आ जाए तो हमें समझ नहीं आता कि हम झटपट में तुरंत में क्या बनाएं, तो ये कुछ 15-20 मिनट में बनने वाली चीज़ है जो कि काफ़ी टेस्टी भी लगती है और आप चाय के साथ तो बहुत मज़े से इसे खा सकते हैं। बच्चों के लिए भी है, मेहमान है, तो फिर आप डेफिनेटली उनके उन्हें भी आप बना कर ही खिला सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक अनियन लिया है और मैंने 3 से 4 जो है लहसुन के टुकड़े लिए हैं और 2 मैंने मिर्च लिया है। और यहाँ पे मैं बटाना ऐड कर रही हूँ। मैं इसको पीस रही हूँ बिल्कुल हल्का सा क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था इसको कट करने के, तो यू नो मुझे झटपट में रेसिपी भी बतानी थी तो मैंने इसे पीस दिया। और आप चाहे तो गाजर ऐड कर सकते हैं, बीट ऐड कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं बीट का भी बनाऊंगी तो मैं वीडियो ज़रूर शेयर करूंगी। और यहाँ पे मैंने ये जो पोहा था ये एक्चुअली मेरा पोहा गांव का था तो ये बहुत जल्दी ना भीग नहीं रहा था, तो इसके लिए मैंने इसे 10-15 मिनट मैंने इसको अच्छी तरीके से धोकर मैंने भिगो कर रखा था। बट आप जो पोहा यूज़ करेंगे वो डेफिनेटली वो बहुत जल्दी भीग जाएगा क्योंकि गाँव का था तो ये बहुत कड़क भी था और ये जल्दी भीग भी नहीं रहा था। तो मैंने इसको 15-20 मिनट मैंने इसको अच्छे थोड़ा भिगो कर रख दिया था। और आप देख सकते हैं इसमें जो पानी है मैंने इसका पानी निकाल लिया था अच्छी तरीके से, क्योंकि अगर इसमें पानी रहेगा तो इसकी टिकिया प्रॉपर नहीं बन पाएगी और वो काफ़ी गीला हो जाएगा, तो इसके लिए मैंने इसका जो एक्सेस वाटर था वो मैंने निकाल दिया था। अब यहाँ पर मैंने इसको अच्छी तरीके बिल्कुल अच्छी तरीके से मैश कर लिया था। अब मैंने इसमें 2 आलू डाले हैं और जो हमने मसाला रेडी किया था जो जिसमें बटाना कांदा मिर्च लहसुन था वो सब कुछ, मैं आगे ज़रूर शेयर करूँगी बीट का भी क्योंकि उससे क्या है उसे कलर भी आता है और वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी भी होता है बच्चों के लिए भी, क्योंकि उन्होंने बच्चे ऐसे बीट तो खाते नहीं हैं तो हमें उन्हें कुछ ना कुछ इस तरीके से बना कर ही देना होता है। बहुत से बच्चे ऐसे जो पोहा भी नहीं खाते, बट आप ये बनाएंगे तो उन्हें बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा कि पोहा है। यहाँ पर मैं राइस जो है राइस का फ्लावर ऐड कर रही हूँ, राइस फ्लावर। अगर आप चाहें तो अगर आपके पास ना हो तो आप घर में तुरंत से पीस सकते हैं। और यहाँ पे मैंने इसे गरम मसाला पाउडर डाला जो कि मेरे घर पे बना हुआ मसाला है, मैंने घर पे बनाया था, डेफिनेटली मैं इसका भी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। और ये लाल मिर्च पाउडर है और हल्दी और नमक, और इसे मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया है। अगर आपके पास बटाना ना हो तो भी चलेगा क्योंकि ये सीज़न है ठंडी का, तो डेफिनेटली सबके पास बटाना तो होगा ही, तो यहाँ पर मैंने बटाना ऐड किया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल डालूंगी क्योंकि ऑयल डालने से क्या है बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा। हमें इसमें पानी तो नहीं डालना, तो इसके लिए हम इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने से बहुत अच्छी तरीके से हमें उसके बाद में इसको मिक्स करना है, बिल्कुल हमें इसको बारीक कर लेना है मिक्स करके। और कम से कम इसको 5 मिनट के लिए आप इसको ढक करके आप इसको रख दीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मसाला है बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैंने हाथ में तेल लगाया है और मैं इसको इस तरीके से अच्छी तरीके से मैं इसको टैप कर दी और ये जो मैंने छेद दिया मैं इसको मेदू वड़े का शेप दे दी थी। आप चाहे तो आप स्टार, आजकल मार्केट में बहुत सारी कटर्स मिलते हैं लाइक बच्चों के जैसे स्टार्स के हो गए, मून के हो गए, हार्ट के हो गए, बट मैंने यहाँ पे हाथ से झटपट में मुझे बनाना था तो मैंने कुछ इतने सारे शेप्स दिए थे। और आप देख सकते हैं कि मैंने पोहा भी बहुत थोड़ा सा लिया था और सिर्फ 2 आलू लिया था मैंने और उसमें काफ़ी क्वांटिटी में बन गया, बट ये आपके ऊपर है कि आपको जितना ज़्यादा रखना है जितना पतला रखना है, तो मैंने थोड़ा यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा रखा था। अगर आपको थोड़ा पतला करना है तो आप पतला डेफिनेटली कर सकते हैं। और मैंने देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके का मैंने शेप दिया था, आधा मैंने ये मेदू वड़े जैसा बनाया था और जो आधा था मैंने उसको चपटा बिल्कुल बनाया था टिकिए के शेप में। अब यहाँ पे तवे पे मैंने बिल्कुल थोड़ा सा जो तेल है देखिए मैं इस तरीके से लगा रही हूँ। आप चाहें तो आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, डेफिनेटली आप इस पर कोटिंग कर दीजिए ब्रेड क्रम की और आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। बट मैं यहाँ पे टिकिया बना रही हूँ तो इसके लिए मैंने डीप फ्राई नहीं किया। यहाँ पे मैंने कुछ तेल लगाकर ये सारी चीज़ें मैंने एक ही साथ में इसमें फिट करने की कोशिश की है बट वो उतना आ नहीं पाया, तो मैं इसको हाफ हाफ करके रखूँगी। आपको जो फ्लेम है वो आप स्लो भी रख सकते हैं, अगर आपको जल्दी बनाना है तो आप डेफिनेटली फास्ट भी कर सकते हैं अगर आपको अच्छी तरीके से, क्योंकि पकाने की भी इसको ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी सारी चीज़ें बॉइल्ड है।
और उसमें बिल्कुल ये एकदम गर्म रहेगा, आप गर्म सर्व करेंगे तो उसमें कच्चापन का टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा। और मैंने इसे ऊपर से कुछ इस तरीके से तेल लगाया ताकि हम जब इसको पलटी करें तो ये चिपके नहीं। और ये पकने में कम से कम सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 मिनट ही लगे, और जबकि मैं स्लो करके इसको कर रही थी तो 5 से 6 मिनट लगे। अगर आप फास्ट करके पकाएंगे तो बहुत जल्दी पक जाएगा। आप देख सकते हैं ये दोनों तरफ से बहुत अच्छी तरीके से पक चुका है। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अभी मैं यहाँ पर कुछ सेकेंड रख रही हूँ। यहाँ पर मैंने वापस से तवे पर उस तरीके से तेल लगाया था और जो मैंने बाकी का जो ये शेप दिया था यहाँ पर मैं इसको ऐड कर रही हूँ। मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी कि मैं नेक्स्ट टाइम मैं गाजर और बीट का बनाऊँ, बट अभी के लिए मैंने ये ट्राई किया था। अब यहाँ पे भी मैं इसको कुछ ऊपर से इस तरीके से मैं यहाँ पे तेल लगा रही हूँ। यहाँ पे आप बटर का भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने बटर का यूज़ नहीं किया। आप चाहे तो गार्निशिंग के ऊपर से चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। मैंने गार्निशिंग के लिए यहाँ पे जो है मैंने कोथमीर ऐड किया था। अगर आप चीज़ चाहें तो आप डेफिनेटली चीज़ भी ऐड कर सकते हैं इसके ऊपर, ये और भी ज़्यादा उसका अच्छा टेस्ट आएगा। और आप देख सकते हैं ये हो चुका है बिल्कुल अच्छे तरीके से, ये लाल हो चुका है, हमें इसे जलाना नहीं था। और मैंने स्लो फ्लेम पर बनाया था तो करीबन 5 से 6 मिनट में बन गया था, जैसे मैंने पहले भी कहा। अगर आप फास्ट फ्लेम पर चाहेंगे बनाना तो ये डेफिनेटली बहुत जल्दी बन जाएगा। तो यहाँ पे ये बन के रेडी है, बिल्कुल दोनों तरफ से बिल्कुल अच्छे से पक चुका है और क्रिस्पी देखने में लग रहा है, डेफिनेटली खाने में भी होगा। तो अभी मैं पे चटनी तैयार कर लेते हैं। चटनी के लिए मैंने लिया था कोथमीर, टमाटर, मिर्च, लहसुन बस। और ये देखिए चटनी बन के तैयार है। आप चाहें तो चटनी अगर आपको ना पसंद हो तो आप सॉस के साथ डेफिनेटली कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने गार्निशिंग से बिल्कुल बारीक कटी हुई कोथमीर ली थी जिसको मैंने ऊपर से ऐड किया था और मैंने बहुत थोड़ा डाला था। आई होप कि आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।